हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टेंथ मैथ्स ट्रायंगल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई एंड बी डी पैरेलल टू ई एफ, प्रूव दैट सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एफ मल्टीप्लाइड बाई ए सी। सबसे पहले ए बी पैरेलल टू डी राइट करते हैं, ए बी पैरेलल टू डी ई। अब फिगर में देखते हैं ए बी एंड डी ई आकार है, यहाँ देख रहे हैं ए बी ये वाली साइड एंड डी ई ये वाली साइड है। देन हम बीपीटी थ्योरम से हम इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, सी डी अपॉन सी ए इक्वल्स टू सी ई अपॉन सी बी। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम रेशियोज को टू टाइप से राइट कर सकते हैं। एक तो ऐसे राइट करते हैं, सी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू सी ई अपॉन ई बी, एंड सेकेंड ऐसे भी राइट कर सकते हैं सी डी अपॉन ए सी, जैसा कि हमने यहाँ राइट किया है, इक्वल्स टू सी ई अपॉन सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रोपोर्शन का यूज करेंगे बिकॉज कि हमें ये प्रूव करने में ये ज्यादा इजी होगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, सेम हम इस दूसरे साइड के लिए राइट करते हैं। गिवन है बी डी पैरेलल टू ई एफ। अब इन दोनों साइड्स को देखते हैं कहाँ आते हैं, बी डी ये वाली साइड है बी डी, एंड ई एफ साइड होगी ये वाली साइड। आप देख रहे हैं ये दोनों साइड ट्रायंगल सी डी बी में आ रहे हैं। देन हम राइट कर लेते हैं इन ट्रायंगल सी डी बी यूजिंग बी पी टी थ्योरम। यहाँ पे अगर हम थ्योरम का यूज करेंगे तो सेम इस टाइप का ही रेशियो राइट करेंगे, सी एफ अपॉन सी डी राइट करते हैं। सी एफ अपॉन सी डी इक्वल्स टू होगा सीई अपॉन सी बी। इसे लेट कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर भी हम ट्राइंगल राइट कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल में यूज हो रहा है। अब दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन का राइट साइड सीई अपॉन ई बी, ये भी है सीई अपॉन ए बी। तो यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब भी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम राइट कर सकते हैं, सी डी अपॉन सी ए इक्वल्स टू सी एफ अपॉन सी डी राइट कर सकते हैं। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, सी डी सी डी मल्टीप्लाइड बाई सी डी हो जाएगा, इक्वल्स टू होगा सी ए मल्टीप्लाइड बाई सी एफ। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी डी को सी डी में मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी स्क्वायर होगा इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है सी एफ मल्टीप्लाइड बाई ई सी। देन सी एफ को हम पैरेलल लिख लेते हैं, सी एफ मल्टीप्लाइड बाई, आप इसे सी ए लिखें या फिर ए सी लिखें, लाइन सेम होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और ये होगा प्रूव कंप्लीट हो गया, सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एफ मल्टीप्लाइड बाई ए सी, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन प्रूव हो चुका। इस क्वेश्चन को करने का एक लॉन्ग मेथड, आप शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन को कीजिए, काफी इजी है। वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं।